नमस्कार छात्रों, आज हम बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के मनोविज्ञान विषय की 12वीं कक्षा की पुस्तक के पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक गुण क्या होती है, भिन्नताएं क्या होती है, इसी मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार पर अध्ययन करता है। अब हम अपने अध्ययन की चर्चा को एक ही गुणों के एक रूप आधारित करेंगे। जरा सोचिए कि अगर आपके आसपास की वस्तुएं एक जैसी है, आपकी प्रकृति में जो रंग है वो एक जैसे है, सारे लोग एक जैसे, एक तबके होते उनका रंग एक जैसा होता, उनका स्वभाव एक जैसा होता, सभी पेड़ एक जैसे होते, सारे फूल एक जैसे होते, तो आप क्या ऐसी दुनिया में रहना चाहते? जाहिर है कि नहीं। एक रास्ता का अनुभव होने लगता है। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो उनमें भिन्नताएं पैदा करते हैं और उन भिन्नताओं के होने का क्या कारण है, उन्हें कैसे मापा जाता है और वे भिन्नताएं किस तरह व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने में सहायक होते हैं, हम इन्हीं कुछ बातों को लेकर अपनी चर्चा को इन स्लाइडों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं इन व्यक्तिगत विभिन्नता पर चर्चा करूंगी। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या, प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो जाता है, इस प्रश्न से संबंधित विषय वस्तु की हमारी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए आवश्यक। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की जो विशेषताएं होती है या जो व्यवहार वे करते हैं उनमें क्या विशिष्ट स्वरूप होता है और उनमें कहां तक विचलनशीलता यानी कि सामान्य स्वरूप से हटने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिस वजह से उनमें विभिन्नता का जन्म होता है। हम इसे अलग अलग स्लाइडों के माध्यम से देखें। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण, उसमें शारीरिक रचना का प्रभाव हो सकता है, जैविक कारकों का प्रभाव हो सकता है, वंशानुक्रम का प्रभाव हो सकता है, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव हो सकता है, इसके अलावा भौतिक वातावरण, उनकी विशिष्ट रुचि, मानसिक योग्यता का प्रभाव, दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, अनगिनत चीजें हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जो उनमें भिन्नताओं को जन्म देती है। व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ आप देख सकते हैं कि पांच लोग हैं, इनकी कद काठ अलग अलग है, इनकी वेशभूषा अलग अलग है, ये सभी अलग अलग रंगों से हैं, अलग अलग इनका व्यक्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं, इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसा एक व्यक्ति पर कितनी ही बातों का प्रभाव होता है, व्यक्ति के इन गुणों का सबसे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति को एक अच्छी अवस्था न होती है, जो दूसरी अवस्था है जिस पर उसके प्रवेश में वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं और गतिविधियों में उसका व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार वातावरण या परिवेश में समायोजन के लिए होता है। यहाँ देखिए एक स्थिति, कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हमारे व्यवहार कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशा से जब प्रभावित होता है तो इसे हम कहते हैं स्थितिवाद। सामान्यतः
आप देख सकते हैं कि भीड़, अगर कहीं कोई भीड़ इकट्ठी है तो वो एक तरह से सोचने लगता है, क्यों? इसमें कोई व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, कोई बहुत गुस्सैन हो सकता है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के मुताबिक उनके सोचने का ढंग एक जैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति आई होगी जहाँ की वो सभी व्यक्ति एक तरह से सोचने लग सकते हैं। इसी तरह समूह का भी व्यवहार होता है। अगर किसी कंपनी में किसी बात की चर्चा हो रही है तो जो संकेत मिलते हैं उसके अनुरूप वो चर्चा करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं समूह के विचार एक जैसे होने लगते हैं। अब हम आते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन दो तरह से, एक औपचारिक दूसरा अनौपचारिक। अब मूल्यांकन क्यों किया जाता है? यहाँ हम मूल्यांकन करने का व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से लगाते हैं। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की अनेक मानक विधियां हैं। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जाए। मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन के लिए कई अनेक विधियां हैं जिसका कि हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। औपचारिक मूल्यांकन में जो गुण होते हैं वो व्यवस्थितता, मानकीकृत, व्यवस्थित। औपचारिक मापन में मापन की व्यवस्था क्रमिक रूप से होती है। मानकीकृत का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के गुण यानी कि उनकी एक खास आयु वर्ग के लिए यह मापन हो सकता है, एक खास कक्षा के लिए यह मापन हो सकता है, एक किसी विशेष गुण के लिए यह मापन हो सकता है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है यह मापन जब भी उस विशेष गुण को मापन के लिए किया जाएगा तो एक जैसी परिणाम या एक जैसी परिस्थिति को या एक जैसे गुण का मापन करेगा। अनौपचारिक, अनौपचारिक गुणों में आत्मनिष्ठता पाई जाती है। अगर हमें किसी की ईमानदारी का मापन करना है या किसी के प्रत्यक्षण के गुण का मापन करना है तो जाहिर है कि उसमें हमारे खुद की सोच कहीं ना कहीं परिलक्षित होने लगती है, यानी कि मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव उसके आ जाता है। यही आत्मनिष्ठता है। मनोवैज्ञानिक गुणों का क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक गुण अनेक आयामों को प्रदर्शित करता है। अगर किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना है तो हम उसके संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, सामाजिक आदि में वो कैसा व्यवहार करता है, इन बातों को भी हम देखते हैं। अब मनोवैज्ञानिक गुण तो खास तरह के होते ही है। थोड़ा हम ये जाने कि गुण आखिर है, गुण उत्तमता की एक प्रवृत्ति है। इससे मनुष्य विशिष्ट रहता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम बुद्धि, अविक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व और मूल्य गुणों की चर्चा करेंगे। बुद्धि वह मानसिक स्थिति है जो वस्तुओं एवं आपसी संबंध एवं अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। जो भावना और अंत प्रज्ञा से अलग है, जरा हम ये देखने की अंत प्रज्ञा क्या है। अंत प्रज्ञा है जब आप स्वतः आपके अंदर से कोई सोच जागृत होती है तो उसे अंत प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के सब प्रसंस्करण की योग्यता की तरह समझा जा सकता है। अभिक्षमता, अभिक्षमता किसी व्यक्ति के कौशल के अर्जन के लिए उसके निहित संभावना से है। किसी व्यक्ति में अगर यांत्रिक गुणों को समझने की क्षमता है या यांत्रिक अभिरुचियों में जाने की क्षमता है तो इस संबंध में अगर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह एक बेहतरीन कारीगर बन सकता है, बेहतरीन इंजीनियर बन सकता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति में भाषाई कौशल,
उसे उस तरह से प्रशिक्षण देकर कुशल वक्ता लेखक बनने की प्रेरणा दी जा सकती है। अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। अगर हम किसी छात्र की अभिरुचि को जान जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह कला, विज्ञान या वाणिज्य, हस्तकौशल या परफॉर्मिंग आर्ट से संबंधित किस विशिष्ट क्षेत्र में जाना चाहेगा। इससे उसे व्यक्तिगत तौर पर भी लाभ होगा और समाज को भी उससे लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सबों में कुछ कुछ भिन्नताएं हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं है। व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने, सहायता प्रदान करने के साथ साथ यह पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा। मूल्य, मूल्य आदर्श व्यवहारों के संदर्भ में व्यक्ति के आदर्श व्यवहारों के अस्थायी विश्वास होते हैं। ये जो अस्थायी विश्वास है ये हमने किस तरह से आते हम किसी राजनीतिक विचारों को अपना अस्थायी विश्वास बना सकते हैं। हम धार्मिक जो आचार व्यवहार है उसे अपने मूल्यों में शामिल कर सकते हैं, उसमें हम अपना विश्वास व्यक्त कर सकते हैं। हमारे जो आर्थिक नीतियां हैं या हमारे आर्थिक स्वरूप में जो हमारा विश्वास है वो हमारे मूल्य हो सकते हैं। हमें कौन सा मूल्य हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है यह जानना बेहद आवश्यक है। इसका भी मापन करने से व्यक्तित्व के व्यवहारों के औचित्य यानी कि वो जो व्यवहार कर रहा है वो कितना उचित है और कितना अनुचित है इसका पता चलता है। मूल्यांकन की रीति, वैसे तो मूल्यांकन की कई रीतियां हैं लेकिन यहाँ हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन इन सभी विधियों की चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति की मानसिक एवं व्यवहारपरक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ एवं मानसिक मापन होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाने के लिए, किसी रोग के इलाज के लिए, किसी बालक को निर्देशन देने के लिए, कर्मचारियों के चयन के लिए या इसी तरह के अन्य स्वरूप के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है। यह एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का साक्षात्कार हो सकता है, एक व्यक्ति का समूह के साथ साक्षात्कार हो सकता है या समूह का एक व्यक्ति के साथ साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार में भी प्रश्नों के कई स्वरूप होते हैं। कभी कभी प्रश्नों के उत्तर खुले रूप में दिए जाते हैं ताकि उत्तरदाता को ये सुविधा होती है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर वह अपनी मर्जी से दे। कई बार प्रश्न हाँ या ना में उत्तर देने के लिए होते हैं, कई बार प्रश्न पहले से बने हुए होते हैं जिसे संगठित कहते हैं, कई बार प्रश्न असंगठित होते हैं जिसे कि प्रश्नकर्ता अपनी मर्जी से पूछता है। इससे हमें व्यक्ति के आंतरिक गुणों को जानने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों एवं उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में गहनता से अध्ययन किया जाता है। हम किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके संबंध में भी अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति से संबंधित उसके मनोवैज्ञानिक गुणों या मनोसामाजिक भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में ही उसके अध्ययन से नहीं है बल्कि हम किसी संस्था का भी अध्ययन अगर करते हैं तो वही व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। प्रेक्षण, प्रेक्षण में व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्काल जो घटनाएं घटती है यानी कि व्यवहारिक घटनाओं का व्यवस्थित संगठित एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। अवलोकन मुख्यतः एक तरह से किया जाता है, स्वाभाविक, अस्वाभाविक और अर्ध स्वाभाविक।
काम में संलग्न है उसे देख रहे हैं और कह लीजिए कि अवलोकन कर रहे हैं और अपने इस अवलोकन से उन चारों का वो मूल्यांकन कर रहे हैं। अब सहभागी स्वरूप में ये छुप कर सकती हैं और भी सहभागी स्वरूप में कभी उनके बीच में शामिल होकर या कभी छुप कर मूल्यांकन कर सकती है और नोट्स बना सकती है। आत्म प्रतिवेदन वह व्यक्ति है जिसने व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास मतलब आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यहाँ हम एक व्यक्ति अगर चाहे तो खुद ही अपने बारे में अगर कोई प्रश्न हुई है उसे दी गई है तो वह खुद ही अपना आकलन कर उस प्रश्नावली को भर सकता है, उन प्रश्न के उत्तर दे सकता है जो कि उसके स्वयं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक होगी। इस अध्याय की चर्चा में अब आगे कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं। निम्नांकित में से कौन मूल्यांकन की डिग्री नहीं है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र में नहीं आता, निम्न में से कौन औपचारिक मूल्यांकन की डिग्री नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या शामिल है। तो ये कुछ ही आज की चर्चा। मैं आगे इसी अध्याय में अगली चर्चा जो लेकर आऊंगी वो है बुद्धि। उसमें हम बुद्धि के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, कितने तरह की बुद्धि है, कितने उसके सिद्धांत हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए वो आप पीटीवी के पैनल लिस्ट से संपर्क कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उचित उत्तर देने के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही उपस्थित।